नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, आज हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि होता है इमरजेंसी स्टॉप का फंक्शन, उसके बारे में जानेंगे। ये दोस्तों मशीन है फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, उसी की पीएलसी पे हम जानेंगे, जिसका ये मॉडल है फोर्जा। तो आइए चलते हैं और समझते हैं इस इमरजेंसी स्टॉप बटन का फंक्शन क्या होता है। क्या होता है कि कभी कभार आपकी इंडस्ट्रीज़ में जब आप जो है ये मशीन चल रही है तो सडन कोई ब्रेकडाउन लेना है या कोई कोई इमरजेंसी हादसा हो गया या कोई फंक्शन आपको नहीं चाहिए, कुछ मोल्ड वगैरह में फंसा है, सडन आपको रोकना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, इमरजेंसी स्टॉप बटन का इस्तेमाल करोगे। बहुत सारे लोग इसका यूज़ नहीं जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बटन रखी जाती है मशीन को स्टॉप करने के लिए। तो मैंने सोचा आपको बता दें ताकि आपको मालूम चल सके कि क्या है और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जान लीजिए कि कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को रन करा रहे हो। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि आपकी मशीन चल रही है तो आप जो ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है तो क्या करोगे, आप इसको जैसे इस तरीके से देखिए ये बटन है आपकी, इसको आपको सिंपल ऐसे आप ऐसे दबा दोगे, प्रेस कर दोगे ऐसे, तो ये क्या होगा, आपकी मशीन को रोक देगा। किस तरीके से मैं दिखाता हूँ, जैसे ही आप इसको दबाएं आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलार्म भी दिख जाएगा, आपको अलार्म दिख जाएगा। उसके बाद हम इस अलार्म को जो है यहाँ पे आपको इमरजेंसी स्टॉप दिख गया कि आपकी मशीन जो है इमरजेंसीली स्टॉप हो गई है। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे रीसेट करके अलार्म काट देंगे, आप देखिए इस तरह से काटेंगे आप तो नहीं कटेगा, ये देखिए यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, हमको वापस इसको बैक टू नॉर्मल वैसी पोजीशन पे ले जाना, तो इसको हम इस तरह घुमाएंगे, आप देखिए ऐसे बना हुआ है, ऐसे हमने कर दिया और उसके बाद वापस हम अलार्म वाली की पे चलेंगे, तो अलार्म को वापस जब इस तरह दबाएंगे तो आप ये ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी, आपका अलार्म जो है वो बंद हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए समझने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इस तरीके से इसको आप प्रेस कर देंगे इमरजेंसी स्टॉप को, जैसे ही आप इमरजेंसी स्टॉप को इस तरीके से प्रेस करेंगे वहाँ पर अलार्म शुरू हो जाएगा आपका। इस पीएलसी पे यहाँ पे फंक्शन है और कैसे भी आप आपकी जो जिस तरीके की पीएलसी हो उस तरीके, अभी आप अलार्म काटिएगा नहीं क्योंकि आप इस बटन दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये वैसी ब्लिंकिंग चलती रहेगी। उसके लिए आपको वापस जो है इसको उसी पोजीशन पे लेके आना, तो हम इसको देखिए इस तरह एरो बना, इस तरह घुमा के ऐसे वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे कर देते हैं और यहाँ पे जो अलार्म का बटन था रीसेट अलार्म का, इसको दबा देंगे तो अलार्म आपका अब नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे अब आपको इमरजेंसी स्टॉप का जो बटन था, जो स्टेटस बार में आया था कि इमरजेंसी स्टॉप है, वो भी बंद हो गया। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।